Mall English Kanpur. So today, that as you all know, that I just posted a one teaser of that my video, that 100 proverb challenge, yeah, and that we are just going to move on that. That we are just going to provide 10 proverbs in alternate days that you can just keep on revising. Why I just choose an alternate days? Because of that, ताकि आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर सकें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हम उसको हर एवरी ऑल्टरनेट डेज में दैट वीडियो इज गोइंग टू पब्लिश. यस्टरडे अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट डिडंट पोस्ट द वीडियो, दैट सम इश्यूज एंड देन सम रीजंस काइंड ऑफ बिहाइंड दैट. सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दैट एंड टुडे वी विल गेट दैट अ वीडियो एंड दैट सेम द नेक्स्ट वीडियो इज डे आफ्टर टुमारो एट 9 PM एट नाइट यू विल गेट दैट. सो एवरी ऑल्टरनेट डे एट 9 PM यू विल गेट द वीडियो. That before we are just not going to fulfill that 100 proverbs. So we are just going, and you, that there is a cherry on a cake on this video, that I'm just going to tell you one particular dialogue of any kind of a movie, and that you can just go for that. So you can enjoy with that. So first we are just going to, and there is a short video, and you can, with example, you can learn easily, and you can just go for that. Keep sharing and keep watching. Okay, so that first seven. Here it is. That is, time and tide wait for none. This is called none. इसको बोलते हैं कि like the lot of people are using that बीता वक्त कभी वापस नहीं आता. Like we are just giving motivation speaking, and if we are just giving any kind of advice, and if we are just giving any kind of sympathy, that we are just going to say that don't worry. Or कभी हम कहते हैं we like अब जो हो गया सो हो गया, बीता वक्त कभी वापस नहीं आता. So we are just saying that time and tide wait for none. Okay, so you can just go with that. बीतावत कभी वापस नहीं आता, जो हो गया सो हो गया, let it be. So time and tide wait for none. Next one is that time is the best healer. जी हाँ, लोग कहते हैं कि अगर आप वक्त के साथ हैं, अगर कोई भी चीज आपके साथ कुछ गलत हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो वक्त एक ऐसा मलहम है कि वक्त हर घाव भर देता है. सो टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट ऑइंटमेंट. दैट वक्त बहुत बड़ा मलहम है, वक्त सबसे बड़ा मलहम है कि आपके सारे दुख दर्द वो भर देता है. बट यू हैव टू जस्ट गो विद द टाइम एंड जस्ट कीप काम एंड जस्ट कीप एंजॉयिंग. सो टाइम इज द बेस्ट हीलर. नेक्स्ट वन इज दैट, या दैट इज वी आर यूजिंग लॉट ऑफ टाइम. जब हमारे साथ से कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, या कोई काम है जो हम करना चाहते हैं वो मिस हो जाता है, सो हम बोलते हैं ना कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं. चिड़िया चुन गए खेत की, अब पछताने से क्या फायदा, चिड़िया चुन गए खेत. सो दैट इज, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. यानी कि अब रोने से कोई फायदा नहीं जब दूध पतीले या भगोने से बाहर आ गया है. बिकॉज यू कैन नॉट फुलफिल दैट पतीला, अब उस दूध को दोबारा उसमें नहीं जा सकते. दैट सेम सिमिलर इसका मीन ये है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तब उसके पछताने से, दैट यू हैव टू फाइंड समथिंग न्यू. अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नाउ द टाइम हैज गॉन. सो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. नेक्स्ट वन इज, हाँ ये बहुत है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू एवरीबॉडी दैट सेल्फ प्रेज हैज नो रिकमेंडेशन. लाइक अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए. दैट एप्रिशिएशन का तब है जब तारीफ कोई दूसरा करे. दैट इज काइंड ऑफ थिंग, लाइक अगर मैं खुद से बोलूं कि आई एम द बेस्ट स्पीकर, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग, दैट इज नॉट गुड. जब यही चीज आप मुझे कॉमेंट सेशन पे बोले कि दैट यू आर जस्ट, दैट इज काइंड ऑफ थिंग. सो सेल्फ प्रेजेस हैज नो रिकमेंडेशन. आप कितने भी अच्छे क्यों ना हैं, बट अगर आप उसको घर पे बैठ के कह रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, सो यू आर नॉट द बेस्ट. व्हेन द पीपल फील दैट एंड देन दे आर जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट यू आर द बेस्ट, देन यू आर द बेस्ट. सो दैट इज, सेल्फ प्रेजेस हैज नो रिकमेंडेशन. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना. नेक्स्ट आता है, A rotten apple rots whole lots. हाँ, अब इससे आप सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा. कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. And that people are just giving example, like most of the time elders, कि like किसी गंदे व्यक्ति या किसी उसके साथ नहीं रहना चाहिए, because एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है. एक बुरा दोस्त बहुत खतरनाक साबित होता है. तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहें जो पूरे तालाब गंदा करे. तो एक गंदी मछली पूरे तालाब गंदा करती है. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू से अ रोटेन एप्पल रोट्स होल लॉट्स. सिंपल. नेक्स्ट वन, जी हाँ, कि ऊंची दुकान फीके पकवान. भैया नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब वहां गए तो कुछ भी नहीं मिला. दैट नाम बड़े और दर्शन छोटे, बहुत लोग यूज करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड मच क्राय लिटिल फ्राय. क्या बोलते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, मच क्राय लिटिल फ्राय. अंदर भी अगर बहुत चिल्ला रहे हैं हमें, दे आर जस्ट शाउटिंग एंड दे आर जस्ट बहुत लिटिल फ्राय, कि मतलब वो मजा नहीं है. तो मच क्राय लिटिल फ्राय. नेक्स्ट वन इज दैट, कि जब
लोहा गरम हो तवा तोड़ा मारो। जी हाँ, जब आपका अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी में भी चांस होता है कि लाइक आपको चीज कब बोलनी चाहिए और कब बतानी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट्स हॉट। और उसको कभी भी आप आयरन नहीं पढ़ेंगे, उसको आयन, स्ट्राइक द आयन व्हाइल इट्स हॉट, लाइक वी हैव अ मूवी आयरन मैन, स्ट्राइक द आयन व्हाइल इट्स हॉट। तो जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारो, इसका एज इट इज ऐसे ही ट्रांसलेट किया जाता है, स्ट्राइक द आयन व्हाइल इट्स हॉट। नेक्स्ट, जी हाँ, अपना ही अपना होता है, अपने अपने ही होते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, अपना अपना ही होता है। और ये बहुत बार सुनने को मिलता है कि लाइक अपने मुसीबतों के टाइम पे अपने ही काम आते हैं, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। नाउ अ बोर्न चाइल्ड ब्रीड्स द फायर। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं बहुत से लोग, लाइक मान लीजिए आप किसी गली से जा रहे हैं और आपको कुत्ते ने काट लिया। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस गली से जाएंगे तो आप हमेशा वो याद रखेंगे और उस कुत्ते को जरूर ढूंढते हुए जाएंगे कि अगर कहीं दोबारा वो मिल गया दोबारा काटना दे। इसका मतलब ये है कहने का कि लाइक दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दैट इज कॉल्ड अ बर्न चाइल्ड ब्रीथ्स द फायर। लाइक एक अगर बच्चा कभी दूध पीते हुए जल जाता है, उसकी जीभ जल जाती है, तो कोई भी उस सफेद चीज को पीने से पहले डरता है कहीं मेरी जीभ ना जल जाए। दैट इज काइंड ऑफ सिमिलर, अ बर्न चाइल्ड ब्रीथ्स द फायर। एट द एंड बहुत यूज करते हैं कि भैया अंत भला तो सब भला, एज सिंपल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसको एंड नहीं पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्स, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, दैट इज काइंड ऑफ थिंग। दीज आर द 10 प्रोवर्ब्स। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ वेरी सिंपल डायलॉग, डायलॉग यू कैन यूज विद दैट। मैं डायलॉग यहीं पर एक छोटा सा यहाँ पर एक डायलॉग लिखूंगा, दैट इज अ यूनिक डायलॉग यू कैन यूज फॉर दैट। लाइक आपने सुना होगा कि मुझ पर एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान न करना, बहुत ही फेमस डायलॉग है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू, सो डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर, सो डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना, डू मी अ फेवर, डोंट डू मी अ फेवर। But now I just want to say, do me a favor, just please like and subscribe and keep watching and just keep sharing the all kind of content that you are just going to get a lot of things on this channel, on this with me. I'm just going to provide you a lot of things. So just keep watching and keep sharing my channel. Till then, bye-bye, take care. We're just going to meet with a new contact, new context and new things with the exciting elements. Till then, bye-bye, take care, enjoy life, don't overbear. It's nice meeting all of you. Thank you.